हेलो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू तो प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू शुरू करने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स हैं वो हम देख लेते हैं अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल समझ जाएंगे तो आप इजीली प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट टू को सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक्चुअली यहाँ पे थ्री प्रॉपर्टीज दिए हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं और इस फिगर की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाई टू पैरलर लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल मतलब ये है पैरलर लाइन पी क्यू और आर एस आप देख सकते हैं ये पैरलर लाइन है और ए बी जो है ये क्या है इसका ट्रांसवर्सल है तो इस फिगर में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होंगे वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे कॉन्ग्रेंट्स एंगल का मतलब होगा उनके मेजर्स हमेशा इक्वल होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एंगल का हमको मेजर दिया हुआ है तो उसका जो कॉरेस्पोंडिंग एंगल होगा उसकी भी वैल्यू वही होगी इन द एजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज पैरलर टू लाइन आर एस ये जो है ये पैरलर का साइन है ये जो टू वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है इसका मतलब है ये पैरलर है लाइन ए बी इज अ ट्रांसवर्सल तो लाइन ए बी यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल है अब देखते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए एम पी मतलब ये वाला जो एंगल है ए एम पी एम पी तो एंगल ए एम पी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा मैंने आपको बताया था कि सेम साइड होगी और सेम पोजिशन होगी ये वाली तो इसका कॉनग्रोएट एंगल क्या होगा एंगल एम एन आर आप देख सकते हैं एंगल एम एन आर ये होगा इसका कॉरेस्पोंडिंग एंगल तो ये दोनों एंगल्स एंगल ए एम पी एंड एंगल एम एन आर ये दोनों एंगल क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये दोनों एंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये जो आपको दिख रहा है साइन ये किसका है कॉन्ग्रुएंट का है कॉन्ग्रुएट का मतलब है फॉर में एग्जाम्पल आपको बताती हूँ लाइक पोस ये वाला एंगल जो है ये हमको हंड्रेड डिग्री दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ एम एन आर की वैल्यू कितनी होगी तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कॉन्गुर होते हैं कॉन्गुरेंट का मतलब इक्वल होते हैं अगर ये हंड्रेड डिग्री है तो ये भी क्या होगा हंड्रेड डिग्री होगा नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमको क्या दिया हुआ है पी एम एन पी एम एन ये वाला ये जो अगर हम देखेंगे कि एंगल पी एम एन का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा तो इसका कॉरेस्पोंडिंग एंगल ये वाला होगा कौन सा आर एन बी सो जो भी वैल्यू पी एम एन की होगी वो सेम वैल्यू आर एन बी की होगी क्योंकि ये दोनों क्या है कॉरेस्पोंडिंग एंगल है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी देखो नेक्स्ट एंगल क्या दिया हुआ है ए एम क्यू क्यू ये वाला जो एंगल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये वाला होगा क्यों होगा क्योंकि ये दोनों क्या है राइट हैंड साइड में है और दोनों की सेम पोजीशन ये भी लाइन के ऊपर है ये भी लाइन के ऊपर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एम क्यू ए एम क्यू इज कॉनग्रुएट टू एम एन एस एम एन एस तो ये दोनों क्या हुए कॉन्ग्रुएंट हुए क्योंकि ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर दैट मीन इसकी जो वैल्यू होगी इसकी भी वही सेम वैल्यू होगी को नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा दिया हुआ है क्यू एम एन क्यू एम एन ये वाला ये वाला जो एंगल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये वाला होगा एस एन बी एस एन बी तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए और ये दोनों क्या होंगे अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है इट मीन्स ये दोनों इक्वल है और दे आर कॉनग्रुएंट टू ईच अदर अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल ट एंगल्स फॉर्म्ड बाई टू पैर लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स तो जैसा हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में देखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं वैसा ही अल्टरनेट एंगल्स का भी प्रॉपर्टी है कि इनके भी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमको दिए हुए हैं तो ये भी क्या होंगे पॉइंट होंगे चलो ये भी चेक कर लेते हैं तो क्या दिया हुआ है पी एम एन कहाँ पे है पी एम एन ये वाला जो है सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ले रहे हैं तो अल्टर एम एन का अल्टरनेट एंगल कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको बताया था कि ये दोनों डिफरेंट साइड में होते हैं और डिफरेंट वर्टिसेस में होते हैं तो पी एम एन ये एक इंटीरियर एंगल है एम एन एस ये क्या है इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है तो जो वैल्यू इसकी होगी वो सेम वैल्यू इसकी होगी क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएट है तो एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन आर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों क्या हुए एक अल्टरनेट एंगल है इट मीन्स ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ ये दोनों एंगल इक्वल हैं। आई होप बच्चों आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पोंडिंग एंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है आप इजिल फाइंड आउट कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को और अल्टरनेट एंगल्स को और हमेशा याद रखना है कि ये एंगल्स जो होंगे जो कॉरेस्पोंडिंग एंगल होंगे वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे अल्टरनेट एंगल्स आ वो इनर अल्टरनेट एंगल हो या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं कॉनग्रुएंट का मतलब है दोनों के मेजर्स इक्वल होते हैं अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में ये थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पे हमने सिंपली देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल्स इसकी प्रॉपर्टी क्या है ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाई टू पैरल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल आई होप आपको याद होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपने सेवन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वन एटी डिग्री एक तो अपटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दैट मीन उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है घर में इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे ये इंटीरियर एंगल होगा और ये इंटीरियर एंगल होगा दैट मीन्स ये फर्स्ट इंटीरियर एंगल हो जाएगा पी एम एन और दूसरा हो जाएगा एंगल एम एन आर तो ये जो दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस में है एक स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा ठीक है स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है तो एंगल का सम करेंगे एंगल पी एम एन प्लस एंगल एम एन आर तो ये जो दोनों का सम होगा वो क्या होगा वन डिग्री होगा सो so ये क्या हो गया प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल तो ये इस साइड के लिए भी होगा इधर के लिए भी सेम होगा ये दोनों भी क्या है इंटीरियर एंगल है मैंने आपको बताया था कि अगर सेम साइड में होते हैं तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं अगर वो ऑपोजिट साइड में होते हैं डिफरेंट वर्टिसेस में तो वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा क्यू एम एन और ये एंगल जो है वो हो जाएगा एम एन एस तो ये एंगल और ये एंगल का भी अगर हम सम निकालेंगे तो वो टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा दैट मीन इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि इनके इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन में वन एंड टू यहाँ पे टू सब क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ए बी सी डी फोर ऑप्शन हमको दिए हुए हैं इन द एच ज्वाइनिंग फिगर दैट मीन्स इस फिगर की हम बात कर रहे हैं इफ लाइन एम इज पैरलर टू लाइन एन तो आप देख सकते हैं ये है लाइन एम और ये है लाइन एन अगर ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरलर हैं एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्जल तो आप देख सकते हैं लाइन पी यहाँ पे क्या है ट्रांसवर्सल है देन फाइंड एक्स तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमको एक्स दिख रहा है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 3x और x दिख रहा होगा क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है इनर साइड में है दोनों लाइन के अंदर है दैट मीन्स ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है दैट मीन्स यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स अप्लाई करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है तो वही सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं सिंपल चॉइस है बट हमको इसको सॉल्व करना होगा और इसका आंसर फाइंड आउट करना होगा तो हम हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे जो हमको गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है लाइन एम इज पैरलर टू लाइन लाइन एन ये हमको गिवन है क्या गिवन है आप देख सकते हो लाइन एम इज पैरलर टू लाइन एन अब इस फिगर को आप ध्यान से देखो ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है तो यहां पे हम इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं इंटीरियर एंगल हमको कौन सा दिया हुआ है थ्री एक्स प्लस सेकेंड इंटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है एक्स और इसका सम कितना होगा वन एटी डिग्री होगा क्यों होगा मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो हम इसको ब्रैकेट में मैंशन कर देते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा फोर एक्स इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो थ्री एक्स में और यहां पे कुछ नहीं है मतलब ये क्या है वन एक्स तो थ्री एक्स प्लस वन एक्स कितना हो गया फोर एक्स इक्वल्स टू न एटी डिग्री अभी हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन एटी ऑपन ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो ये इधर डिविजन में आ जाएगा अब हम रिड्यूस कर लेते हैं कैसे करेंगे फोर वन जा फोर यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर फोर जा सिक्सटीन देन यहाँ पे कितना बाकी था टू तो टू ये जीरो के सामने आ गया तो ये कितना हो गया ट्वेंटी तो ट्वेंटी मीन्स फोर फाइव जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी दैट मीन्स देअर फोर वी कैन राइट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री इट मींस हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल यहां पे अब आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कि सी जो है वो इसका करेक्ट अल्टरनेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए इज पैरलर टू लाइन बी ये लाइन ए है ये लाइन बी के पैरलर है एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्जल ये आप देख सकते हैं ये लाइन एल जो है ये क्या है ट्रांसवर्जल है देन फाइंड एक्स तो हमको यहाँ पे क्या करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे हमको फोर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे टू एक्स दिया हुआ है तो हमको ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीरियर तो हमको नहीं दिया हुआ है उसके साथ में ये अल्टरनेट भी नहीं है अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों आपको अगर याद होगा अपने सेवन्थ स्टैंडर्ड में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं सेम वैल्यू के होते हैं सेम मेजर के होते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वैल्यू भी सेम होती है वो भी सेम टू एक्स है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा स अब हमको ये एंगल और ये एंगल दोनों के वैल्यू पता है और ये दोनों के दोनों क्या है इंटीरियर एंगल्स है और हमको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है तो अब हम इसको इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने टू एक्स क्यों लिखा क्योंकि ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है एंगल भी सेम होते हैं अब ये हमको इंटीरियर एंगल मिल गए मतलब अब हम यहाँ पे सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स अप्लाई कर सकते हैं तो बच्चों जब आप क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करो तो आपको फिगर ड्रॉ करना है उसके साथ में ही आपको उसका वर्टिकली ऑपोजिट जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है और इसको टू एक्स आपको लिखना है दैट मीन्स ये फिगर आपको ड्रॉ करना है और आपको दिखाना है कि आपने इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू इसको यहाँ की जो वैल्यू है वो आपने कितनी लिखी है टू लिखी है अब हम इसको आगे का जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं का हम सोल्यूशन निकालते हैं तो देखो अब ये दोनों क्या हो गए थे इंटीरियर एंगल्स हो गए थे इंटीरियर एंगल्स क्या थे फोर एक्स प्लस टू एक्स हो गए थे और हमको पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है वन एटी डिग्री होता है किस बेसिस पे हमने लिखा दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल है अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4x एक्स प्लस टू कितना हो जाएगा 6x एक्स तो सिक्स एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 एटी डिग्री अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 एटी डिग्री अपॉन ये 6 यहाँ पे आ जाएगा अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं तो इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स वन जा सिक्स एंड सिक्स थ्री जा एटीन और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू थर्टी डिग्री अब आप देख सकते हैं कि यहां पे जो डी वाला ऑप्शन है ये थर्टी डिग्री है तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव्स. अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखो क्वेश्चन नंबर वन में वन और टू इसके सब क्वेश्चन थे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी इज पैरलर टू लाइन क्यू देखो ये लाइन पी है और ये है क्या लाइन क्यू ये दोनों लाइन क्या है पैरलर है लाइन टी एंड लाइन एस आर ट्रांसवर्सल तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन टी और लाइन एस यहाँ पे ट्रांसवर्सल्स है फाइंड मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई यूजिंग द मेजर्स ऑफ एंगल गिवेन इन द फिगर मतलब यहाँ पे हमको जो मेजर्स दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हमको एंगल वाई और एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे भी हम पटीज ऑफ एंगल अप्लाई करके एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी आप ये ट्रांसवर्सल को भूल जाओ इसको हटा दो क्यू हो गया पैरलर लाइन और इसका ट्रांसवर हो गया लाइन टी अब आप इसको ध्यान से दिया हुआ है 40 डिग्री अभी यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं देखो ये फोर्टी डिग्री है तो इसका यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये वाला एंगल आप देखेंगे ये देखो ये लाइन के ऊपर है ये भी लाइन के ऊपर है तो ये दोनों एंगल क्या हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना तो ये फोर्टी डिग्री है दैट मीन्स यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्टी डिग्री हो जाएगी क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है So, अभी चल गया कि ये क्या है 40 डिग्री है अब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं तो 180 डिग्री में अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो जो बाकी का एंगल है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर का मतलब है कि वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं दैट मींस इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा थोड़ा ध्यान से देखो पेयर है ये एंगल और ये एंगल किस में हुए लीनियर पेयर में लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री तो ये अब हम यहाँ पे इजिली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ तो लीनियर पेयर में कौन था 40 डिग्री प्लस एक्स जो थे वो दोनों किस में थे लीनियर पेयर में थे और लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है 180 डिग्री यहाँ पे मैं आपको फिल्टर में दिखा देती हूँ कि फिगर में देखो ये वैल्यू हो गई थी 40 डिग्री यहां से यहाँ की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की और ये एक्स और ये दोनों क्या थे टोटल ये दोनों यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे दैट मीन इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हम इनको मेंशन भी कर देते हैं दैट दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं अब हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 180 एटी यहाँ पे ये प्लस में है सो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस फोर्टी सो एक्स इक्वल्स टू वन एटी माइनस फोर्टी करेंगे तो ये आ जाएगा 140 फोर्टी डिग्री दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 140 फोर्टी डिग्री तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है बिल्कुल ऐसे ही हमको y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सेम थिंग अप्लाई करके y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ट्रांसवर्सल हम देख रहे हैं एस जो है ये ट्रांसवर्सल हम देख रहे हैं तो लाइन पी और लाइन क्यू पैरलर है तो ये एंगल हमको दिया हुआ है सेवेंटी डिग्री तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ ये सेम साइड सेम पोजिशन तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सेवेंटी डिग्री तो ये हो गया सेवेंटी डिग्री और इसके साइड में है ये वाई सो so, ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं ये एंगल और ये एंगल ये दोनों स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का मतलब ये भी क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं लीनियर पेयर भी आपने सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लीनियर पेयर की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है तो अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट मीन्स y प्लस वाई के साथ कौन सा एंगल था सेवेंटी डिग्री का एंगल था और ये दोनों स्ट्रेट लाइन में थे तो इनका सम कितना होगा टोटल वन एटी डिग्री होगा दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे तो ये भी हम लिख लेते पेयर ऑफ एंगल्स नाउ अब हम यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा देर फॉर वाई इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस ये प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा वन एटी माइनस सेवेंटी डिग्री सो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन एटी माइनस सेवेंटी हो जाएगा वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री तो इसके साथ ही साथ हम, ही हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है एक्स की वैल्यू होगी वन फोर्टी डिग्री और वाई की वैल्यू हो जाएगी वन हंड्रेड एंड टेन डिग्री तो बच्चों पेज नंबर इलेक्स सब क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर टू हमने सॉल्व कर लिया है फोर एंड फाइव हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय क्वेश्चन नंबर थ्री